और आपका स्वागत है विष्णु एडिटिंग्स में, और मैं हूँ विष्णु। आज हम सीखेंगे इस लायन के फोटो को हम कैसे इस ब्यूटीफुल पेंटिंग इफेक्ट लायन में कैसे बदलते हैं। और मैंने पहले से फ़ोटोशॉप ऑन करके रखा है, फ़ोटोशॉप CS6। अगर आपके पास इसका ओल्ड वर्जन है या लेटेस्ट वर्जन है तो कोई बात नहीं, बेसिक सेम रहते हैं हर फोटोशॉप। और हम इस पे ओपन फाइल्स में जाके ओपन दबाएंगे और लायन JPG जो अभी हमने देखा है वो ऑन करेंगे। फिर हम लेजर टूल में जाके पॉलीगॉन लेजर टूल सेलेक्ट करेंगे। फिर हम पॉलीगॉन लेजर टूल से लाइन के आधे मुंह को सेलेक्ट करेंगे, ऐसे थोड़ा ऐसे। थोड़ा सा हाँ ऐसे सेलेक्ट करेंगे। फिर हम CTRL J दबाएंगे, या अगर आपके पास मैक कंप्यूटर है तो Command J दबाएंगे, ये ऐसे। वैसे बता दूँ Command J या CTRL J से क्या होता है, Command J या CTRL J से ये होता है कि आपने अगर कुछ सेलेक्ट किया है तो वो दबाने से वो कॉपी हो जाता है एक नए लेयर में। फिर हम अभी ये जो लायन का फ़ोटो है उसे हम अभी सीधा करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, आप देख सकते हैं। मैं ज़ूम करता हूँ, हाँ देखिए ये टेढ़ा है थोड़ा सा। हम जाएंगे कलर पिकर टूल में, कलर पिकर टूल में राइट क्लिक करेंगे और हमें मिलेगा ये रूलर टूल का ऑप्शन। ये रूलर टूल के ऑप्शन को दबाते ही हम यहाँ इस लाइन तक सेलेक्शन करेंगे, ऐसे हाँ। फिर हम ये स्ट्रेटन लेयर का ये जो ऑप्शन है उसमें दबाएंगे, थोड़ा टाइम लगाएगा सीधा होने में। ये देखिए ये सीधा हो चुका है, देखिए। अभी हम इसे वो इफेक्ट देंगे जो हमने दिया था। हम इसमें जाएंगे और ये ह्यू सैटरेशन ऑप्शन में दबाते हम फिर इसके कलर बदलेंगे थोड़ा सा, जो हमने कलर देखा है वैसे, हाँ थोड़ा सा लाइट, ये हो गया। फिर हम जाएंगे लेयर वन में, वापस जाते हैं और फिल्टर में, ये जो फिल्टर है फिल्टर में जाके फिल्टर गैलरी में दबाएं, फिल्टर गैलरी में नहीं सॉरी ऑयल पेंट में दबाएंगे। और ऑयल पेंट में जाते ही हाँ ये देखिए शाइन को ज़ीरो करेंगे, क्योंकि शाइन से देखिए ये कैसा घटिया इफेक्ट आ रहा है इस पे। शाइन ज़ीरो करेंगे, एंगुलर डायरेक्शन फुल, बेसिक डिटेल फुल, स्केल भी फुल और क्लीन लेंस भी फुल करेंगे। और लास्ट में ये स्टाइलाइजेशन आपको अगर जितना चाहिए उतना आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे भी फुल करूँगा। अभी ओके दबाएंगे, ओके दबाने के बाद ये देखिए ये यहाँ इतना अच्छा इफेक्ट आया है। फिर हम इसका डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए यहाँ साइड क्लिक कीजिए, डबल क्लिक यहाँ साइड क्लिक कीजिए, नहीं तो यहाँ कॉपी कीजिए, हाँ साइड क्लिक कीजिए यहाँ, और डुप्लीकेट लेयर दबाइए और ओके कीजिए। फिर हम इसको उसके ऊपर रखेंगे, ये इसके ऊपर हाँ, और इसे इस टूल से इस तरफ करें, ये देखिए इसके दूसरे डायरेक्शन का मुंह अपने आप हो चुका है,
इसे थोड़ा सा साइड करेंगे। हाँ ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। और अभी हम इस साइड पे कुछ इफेक्ट्स ऐड करेंगे। इस साइड में भी हम यू सैटुरेशन में जाएंगे, इसे थोड़ा सा लाल करेंगे और इस बटन में दबाएंगे, इससे सिर्फ इस साइड के लायन के मुंह पर इफेक्ट होगा। ये देखिए इस पे जो पूरा हरा हो चुका था अभी वो वापस ठीक हो चुका है। फिर हम इसे इस बटन दबाएं। अभी हम वापस लेयर वन पे जाते हैं और फिल्टर में जाके फिल्टर गैलरी में जाएंगे। फिल्टर गैलरी में ये यहाँ डिसॉर्ट में जाके डिफ्यूज ग्लो दबाएंगे। इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं। हाँ अभी ग्रेनस थोड़ा सा बढ़ाएंगे। हाँ ग्लो अमाउंट बढ़ा देंगे। ये देखिए ग्लो अमाउंट ग्रे आ रहा है क्योंकि लेकिन हमें वाइट चाहिए, तो हम कैंसिल दबाएंगे। और कैंसिल दबाने के बाद यहाँ हम वाइट कलर चूज करें, फिर हम ओके दबाएंगे। फिर वापस फिल्टर गैलरी में जाएंगे और अभी वापस हम डिसॉर्ट में जाके डिफ्यूज कलर। अभी देखिए अभी वापस अच्छा ग्लो कलर आ रहा है। थोड़ा ग्रेनस को कम करते हैं। हाँ ये ओके दबाएंगे हम। अभी ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अभी हम थोड़ा जूम आउट करते हैं और अभी हमें पीछे के लेयर को थोड़ा सा ब्लैक करते हैं। ब्लैक करने के लिए कोई बकेट चूज करके पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं। फाइल्स में जाइए, सेव बटन दबाइए, फिर आप JPG में जाएंगे, फिर सेव दबाएंगे तो अपने आप कलर चूजिंग इफेक्ट आ जाएगा। नन में जाके फॉरग्राउंड कहिए। ये देखिए ब्लैक बैकग्राउंड अपने आप आ गया। अभी हम ओके दबाएंगे। मैक्सिमम रखिए क्योंकि उससे थोड़ा रिजोल्यूशन बढ़ता है। ओके दबाते हैं। फिर हम फोटोशॉप से बाहर निकलेंगे। कैंसल। हाँ अभी हम जाते हैं अपने फोटो को देखेंगे वो कैसा दिख रहा है। ये यहाँ लोकल डिस्क की 2D में जाते हैं और ये देखिए हमारा फोटो कैसा इतना खूबसूरत दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए या कमेंट कीजिए नीचे कमेंट्स में जाके। गुड बाय एंड सी यू लेटर इन नेक्स्ट वीडियो।